जिला मुखिया संघ के कार्य समिति की एक बैठक मंगलवार को हुट्टी बाजार के समीप अम्बेडकर भवन में संघ के जिलाध्यक्ष भागीरथ मंडल की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान मनरेगा कार्य में अनियमितता बरतने की शिकायत पर मंगरोडी और गांडरे के फुलझरी मुखिया के वित्तीय जब्त करने का विरोध करते हुए नाराजगी व्यक्त की गई। बैठक के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने उपायुक्त से एक बार पुनः इस विषय पर जांच पड़ताल करने की मांग की है। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि दो पंचायत के मुखिया के ऊपर मनरेगा के मामले में की गई कार्रवाई में जांच समिति के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट की एक प्रति संघ को उपलब्ध कराने की मांग उपायुक्त से की गई। साथ ही मनरेगा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जितने भी पदाधिकारी के ऊपर योजना संचालित करने की जवाबदेही है उन सभी पदाधिकारियों पर समान रूप से कार्रवाई की जाए। कहा गया कि सभी योजनाएं ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है जिसकी मॉनिटरिंग जिला प्रशासन के द्वारा किया जाता है। अगर लक्ष्य से अधिक योजनाएं ली गई थी तो भुगतान होने के पूर्व पंचायत को स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया। जिला प्रशासन से मांग की गई कि एक सप्ताह के अंदर मुखिया के ऊपर की गई कार्रवाई को वापस लिया जाए, अन्यथा जिला के सभी मुखिया कलम बंद हड़ताल करेंगे और जिला प्रशासन के विरोध चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस बाबत संघ के जिलाध्यक्ष भागीरथ मंडल ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा मुखियाओं के ऊपर की गई कार्रवाई से मुखिया संघ क्षुब्ध एवं मर्माहत है। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रखंड स्तर के कई पदाधिकारी संलिप्त हैं, लेकिन सिर्फ मुखिया और रोजगार सेवक पर कार्रवाई क्यों की गई? छोटके खरकडीहा के पूर्व मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा ने बताया कि ग्राम सभा से जो योजना का चयन होता है उससे कार्यकारिणी समिति उसे अवबोधन करती है। किसी योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रस्ताव मुखिया द्वारा भेजा जाता है तो साइड सिलेक्शन वहां के कन्या अभियंता करती है और सहायक अभियंता उसे तकनीकी स्वीकृति देती है। ऐसे में सिर्फ मुखिया के ऊपर कार्रवाई होना गलत है। चपुआ डी के मुखिया मोहम्मद शमीम ने भी दो पंचायत के मुखिया पर हुई कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की। मौके पर शब्बीर आलम, शंकर पासवान, अनिल कुमार रजक, अमित गुप्ता, रामदेव यादव आदि मुखिया उपस्थित थे। मुखिया संघ की बैठक गिरिडीह के अम्बेडकर भवन में चल रहा है और इस बैठक में हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जो अभी वर्तमान में मनरेगा के तहत जो गिरिडीह प्रखंड के मंगरोडी और गांडे प्रखंड के फुलझरी पंचायत में जो मुखिया पर और रोजगार सेवा पर जो कार्रवाई हुआ है इस पर हम लोग बैठक चर्चा कर रहे हैं। ये कार्रवाई जो हुई है हमारे मनरेगा में कई पदाधिकारी सम्मिलित हैं उस योजना में स्वीकृति देने में। सबसे पहला स्वीकृति हमारा प्रखंड विकास पदाधिकारी जो अगर स्वीकृति मिलता है उसमें BPO हैं और उसके बाद मुखिया उसको स्वीकृति देते हैं। उसके बाद उस योजना को देखने के लिए जई हैं, आई हैं, BPO हैं, उसमें सम्मिलित हो रहे BDO भी हैं और हमारे पंचायत के मुखिया पंचायत सचिव और रोजगार सेवक हैं। तो केवल रोजगार सेवक मुखिया पर ही कार्रवाई क्यों होता है ये मैं माननीय उपायुक्त महोदय से बताना चाहता हूँ कि इस योजना में हमारे पदाधिकारी सभी सम्मिलित हो। अगर उस किसी योजना में अनियमितता पाई जाती है, अगर सही पाया जाता है तो सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए, केवल एक रोजगार सेवक और मुखिया पर क्यों? जो पदाधिकारी जांच में जाते हैं योजना को धरातल पर, अगर उस योजना गलत पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब जाते हैं तो किसी रिकॉर्ड और योजना को देखने का काम नहीं करते, केवल कागज़ और कलम पर करके चले आते हैं और मुखिया पर कार्रवाई होती है। मैं माननीय उपायुक्त महोदय गिरिडीह से मांग करता हूँ कि जिस पर कार्रवाई है उस पर एक जिला से कमेटी बने और उस योजना को पुनः जाँच कर उस पर कार्रवाई करने का काम करें। इधर निकट समय में दो पंचायत के माननीय मुखिया जी के ऊपर वित्तीय शक्ति जब्त करने की बात समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है। आज हम लोग इस बात का यहाँ गहन छानबीन चल रहा है कि चूँकि ग्राम सभा से जो योजना का चयन होता है और फिर उसमें कार्यकारिणी समिति उसे अनुमोदन करती है, जिस योजना का क्रियान्वयन के लिए प्रस्ताव मुखिया के द्वारा भेजा जाता है और उसमें साइट सिलेक्शन करने का काम वहाँ के कन्या अभियंता करते हैं और सहायक अभियंता उसे तकनीकी स्वीकृति देते हैं, तत्पश्चात मुखिया जो है सो उसको प्रशासन स्वीकृति। अगर वो योजना का स्तर सही नहीं है तो क्या इसके लिए मुखिया अकेला जिम्मेवार है? इस तरह का बात पर अगर सिर्फ मुखिया पर कार्रवाई हो जाए ये न्योचित नहीं है। अभी तो मुखिया बने 6 माह भी नहीं हुआ है और
तुरंत कार्रवाई हो जाए। आप उस अगर गलत है तो आप उनको बैठा के एक बार देखिए, समझाइए, सिखाइए। हाँ, अगर उसने बहुत बड़ा अपराध कर लिया है कि पैसा निकाल लिया और ज़मीन पर कोई काम नहीं किया है तो आप उसकी जांच कीजिए, हम लोग भी जांच करेंगे। अगर दोषी मुखिया है तो कार्रवाई का अनुशंसा जिला मुखिया संघ भी करेगा, लेकिन गलत तरीके से अगर कार्रवाई की जाएगी तो मुखिया संघ भी चुप नहीं बैठेगी और हम लोग एक सप्ताह के अंदर बड़ा आंदोलन करेंगे। महानगरों को फील देने वाला गांधी चौक स्थित बहुत ही खूबसूरत द रॉयल डाइनिंग एंड बैंक्वेट में आप स्वाद से भरपूर व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ इंडियन चाइनीज कॉन्टिनेंटल खाने का वेज और नॉन वेज व्यंजन परोसा जाता है। खाने पर 20% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। साथ ही आधुनिक सुविधाओं से लैस यहाँ के अल्ट्रा मॉडर्न बैंक्वेट हॉल में पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह, बिजनेस मीटिंग, सेमिनार वगैरह का आयोजन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल कर अपना ऑर्डर दें। द रॉयल डाइनिंग एंड बैंक्वेट का पता SDFC बैंक के ऊपर, गांधी चौक, गिरिडीह।